संपूर्ण छत्तीसगढ़ में नगरी निकाय चुनाव के परिणाम आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह विधानसभा राजनांदगांव नगर निगम एक महत्वपूर्ण निगम क्षेत्र है। राजनांदगांव निगम क्षेत्र में परिणाम आ रहे हैं। पहला पेंड्री परिणाम आई जहां निर्दलीय जीती है। हम एक एक करके सभी जीते प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं। अभी हम वार्ड नंबर 13 13 ऐसा था कि वहाँ जो 13 की जीत थी सबसे बड़ी जीत थी। 13 वार्ड नंबर वार्ड जो 1612 वोट की जीत है, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी जीत है पूरे 51 वार्डों में। जीत 1600 की जीत का मेन कारण आप क्या मान रहे हैं? सबसे पहले मैं भोजनगर की जनता को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किए। हाँ। और सबसे ज़्यादा मेहनत आयोग के सदस्य हफीज खान जी हैं। हाँ। उन्होंने डोर टू डोर जाकर लोगों से मेरे लिए वोट मांगे हैं। हाँ। और सरकार की नीतियाँ रही है, जैसे बिजली हाफ की। हाँ। और गरीबों को पट्टा देने का वितरण करने का, जो शहरी क्षेत्रों में गरीब हैं उनके लिए पट्टा वितरण का कार्यक्रम जो किया, उससे प्रभावित हुई है। तीसरी बात ये थी कि सीएम साहब स्वयं गौरीनगर में आके मेरे चुनाव प्रचार में आए थे। इन चीज़ों को लेके मेरे सबसे ज़्यादा लीड मिली है। दूसरा ये बोलता हूँ, जैसे आप जीते हैं, इतनी बड़ी जनता ने जीत दी है जी। आपकी देखिए साफ सफाई ये सब तो करना ही अनिवार्य है जी जी। जैसे गाड़ी 12 कांटे घूमती है जी जी। आपका मुख्य है ना कोई विशेष विजन क्या है कि गौरीनगर में ये होना चाहिए? गार्डन, जिम, क्या? सबसे पहले वृक्षारोपण, गार्डन। गौरीनगर में जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे पानी की समस्याएं महादेव नगर। हाँ। और उसके अलावा अन्य सफाइयों की जो समस्याएं जो बनी रहती है निरंतर, उनको मैं उनमें प्रयासरत रहूँगा पूर्ण कराने के लेके। और निर्माण कार्य जो छूटे हुए थे, जो अधूरे हुए हैं जो हफीज भाई के पार्षदी काल में, तो उन कार्यों को मैं पूर्णता करवाने के प्रयास करूँगा। ये थे हमारे साथ समद भाई, जो सबसे बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं। पब्लिक प्रेस वाटर न्यूज से देवाशीष, मतगणना स्थल राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। हम आज राजनांदगांव में खड़े हैं और राजनांदगांव में 24 दिसंबर को पूरे प्रदेश में नगरी निकाय चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। मैं फेसबुक लाइव में हूं अभी और हम देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। हमारे साथ एक है, आप किसके समर्थन में आए? मैं श्री शरद वर्मा, भाजपा के समर्थन। क्या लग रहा है अभी? हम लोग जीत रहे हैं ऐसा लग रहा है, पूरा पूरा लग रहा है। नहीं नहीं, एकदम एक तरफा लग रहा है कि जीत रहे हैं करके। जीत रहे लग रहा है जी जी। ये आप लोग किसके समर्थन में? गणेश पवार। गणेश पवार यानी वार्ड नंबर 27 निर्दली। निर्दली वार्ड नंबर 27 गप्पू जोनकर वाला वार्ड। नहीं नहीं नहीं, वार्ड नंबर 27 सुभाष कुमार, विजय शर्मा कांग्रेस से, और गणेश पवार निर्दली, राहुल अग्रवाल बीजेपी से। हम सब गणेश पवार के समर्थन में हैं, निश्चित है उसकी जीत एकदम। ये बताइए, इस चुनाव में हम देखे लोग 20 लाख रुपए खर्चा किए हैं। मेरा एक सवाल शुरू से चल रहा है, जब 20 लाख रुपए प्रत्याशी खर्चा करेगा तो आप सेवा कैसे करेगा, मुझे ये बताइए। नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं भैया। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, हमारे वार्ड की खासियत ये है, हमने जो गणेश पवार को खड़े कराया है, गणेश पवार स्वयं खड़े नहीं हुआ, पूरे वार्ड वासियों ने मिलकर उसे खड़े कराया है, उसकी जीत सुनिश्चित है। आप दूसरे वार्डों में देखो, ये प्रत्याशियों ने 20 लाख 10 लाख रुपए खर्चा कर दिया है, जिनकी 7000 रुपए तनख्वाह है। ये तो जुआ एक प्रकार का ना, मतलब छल है ये। छल
क्या सीधी सीधी बात है, जो व्यक्ति 10 लाख खर्चा करेगा वो 40 लाख कमाना ही पड़ेगा। क्या कहना है उसे? मैं एकदम सही कहना, अगर आपका पार्टी शराब बांट रहा है और 20 लाख खर्चा कर रहा है तो आपकी सेवा करेगा? नहीं करेगा। अगर मैं उसका पौवा पिया हूँ तो मैं उसको बोलने का हक रखता हूँ? नहीं रखते। ये बात रखता हूँ, बताइए उसकी। हमारा ना प्रत्याशी निस्वार्थ काम कर रहे ऋषि शास्त्री, हम उसको एक पैसा नहीं लिए, अपने फूल मतदाते के साथ उसको ओढ़ दे रहे। क्या कहना है श्रीवास्तव जी? को अंदर जाना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या कहना है आप? बिल्कुल कांग्रेस का बहुमत आएगा, महापौर कांग्रेस की रहेगी, निगम का अध्यक्ष भी बनेगा। आप ये बताइए, दोनों पार्टी के प्रत्याशी, अभी पंचायत चुनाव आ रहा है, शायद पंचायत तरफ से जब 15-15 लाख खर्चा करेंगे, आप एक कांग्रेस नेता, एक जिम्मेदार आदमी है, अगर 15 और 10 लाख अगर प्रत्याशी खर्चा करेंगे जिनकी तनख्वाह मात्र 7,000 रुपए महीना है, तो कैसे जनता की सेवा करेगा? ये सवाल, ये सवाल सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। बीजेपी भी खर्चा किया है उस जगह में। जनता शपथ नहीं खाती है, लेकिन आप शपथ खाते हो जीतने के बाद कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं ईमानदारी से अपना धर्म पालन करूंगा, देश के लिए। वार्ड नंबर 24 से हुआ है। अरे हर वार्ड में खर्चा, हर वार्ड में खर्चा हुआ है, बीजेपी लोग की है। नहीं, दोनों पार्टी कुल मिला के चर्चा का विषय ये है कि प्रत्याशी जो खर्चा करता है उसको पब्लिक अगर चुन कर ला रही है तो जनता का सेवक होना चाहिए, जनता का सेवक होना चाहिए। लेकिन पैसे बांट कर, पैसे बांटने के बाद वो स्वयं जनता का मालिक बन जाता है, जनता का मालिक बन जाता है। साड़ी ले लोगे तो आप बोलने का हक नहीं रखोगे, क्योंकि कुछ वार्डों में ऐसा 24 नंबर वार्ड में जो सब्जी बेचने वाला आदमी वो बेचारा 10 लाख खर्चा नहीं कर सकता, बीजेपी कर सकता है। अब यादव, हाँ, क्या कहना है आपका? नहीं, किसके समर्थन में हो भैया आप? किसके समर्थन में? सब में हूँ भैया, सब में हूँ। ये थे हम मंडी प्रांगण से, मंडी प्रांगण से आओ जरा और लोगों की बात सुन रहे हैं। बताइए, बताओ ना क्या है, बताइए। वार्ड नंबर 3 से हमारे भाई कांग्रेस पार्टी के सुरेंद्र गजबे खड़े हुए, जिन्होंने निष्पक्ष रूप से पद में ना रहते हुए भी बहुत काम किया हुआ है लोगों का, और इस बार खर्चा भी नहीं किया उन्होंने, और ऐसे ही जीतने की बहुत आशा है उनकी, और पूरा वार्ड इस बार। आप लोग युवा हो, आप लोग से मैं चर्चा कर रहा हूँ, अगर दोनों पार्टी जिसके पास पैसा रहता है निर्दलीय, जब 20 लाख और 15 लाख खर्चा करेंगे तो आप लोग को, और आपको पता है किसी भी ऑफिस में आप ठेकेदारी करोगे तो 20% और 30% कमीशन में चले जाता है, तो 30% जब कमीशन में चले जाएगा तो आप लोग का भविष्य कैसे सुरक्षित है, ये बताइए मेरे को। क्योंकि वो जो लड़का खड़ा हुआ है जो नहीं खर्चा करेगा उसको वसूलेगा वो एक नहीं, नहीं, ये चीज में नहीं, क्योंकि उन्होंने खर्चे ही नहीं किया, उन्होंने नहीं किया है, लेकिन किया ये है। जो राजनीति परंपरा चल रही है इस विषय में आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये जो खर्चा हो रहा है और कमीशन चल रहा है, आप लोग को आगे रोजगार चाहिए, आप लोग क्या करोगे? अगर यही पैसा 30% पैसा उद्योगों में जाएगा, किसी अच्छे काम निर्माण कार्य में जाएगा, तो उससे आपको रोजगार मिलेगा, है ना? 30-40% पैसा कमीशन में जा रहा है जी, कारण राजनीतिक खर्चे बढ़ गए हैं, है ना? बड़े बड़े विधानसभा में रैली देखा, 500-500 रुपए में लोग विधानसभा की रैली में जी ये सही जाते थे, है ना? अभी आप देखते होंगे कौन कौन सा प्रत्याशी शराब नहीं बांटा है, मैं हर को नहीं बोलूंगा, लेकिन 90% सही बात है, 20 लाख बदलाव आना चाहिए। बदलाव कौन लाएगा? आप ही लोग लाओगे? हम ही लोग लाएंगे बदलाव। ने भी जब देखे, हम जब वार्ड में घूमते थे, जब चुनाव से एक दो दिन पहले खुद जनता ही पार्षदों पद में जो खड़े हुए उनसे बोल रहा है क्या ला के दिया, हमें मिठाई नहीं दी है, तुम लोगों को हम वोट नहीं देंगे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें नेता नहीं बेटा चाहिए। ये देखिए, कुछ युवा है जो इस चीज को समझ रहे हैं, पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज से देवाशीष, गंज मंडी, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। क्लिक प्रेस मीडिया ई बिजनेस कॉन्सेप्ट ज्वाइन करें, हमारे 9200013100 व्हाट्सएप ज्वाइन करें, नाम जिला प्रदेश बताएं, समझने के लिए कॉल करें 9300076626 हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन करें, पब्लिक प्रेस पार्टनर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, पब्लिक प्रेस मीडिया ई बिजनेस कॉन्सेप्ट के साथ पब्लिक प्रेस का मालिक बने, पत्रकारिता करें, मीडिया ई बिजनेस के साथ प्रेस और पत्रकारिता।
को स्वतंत्र करें, मीडिया लागत निकाले, मीडिया ई बिजनेस के साथ व्यापार करें, यूट्यूब लिंक नहीं खुले तो ये अभी हम देखिए माहौल मतगणना स्थल के सामने है और हम फेसबुक लाइव में है। ये स्थिति है, वार्ड ये सभी लोग अपने देख सकते हैं, सभी लोग अपने उसको लेके आए हुए हैं और ये यहाँ का मतगणना स्थल के सामने का माहौल है। और मैं दिखाता हूँ आपको, हेलो, ये देखिए ये स्थिति, यहाँ पे पूरी भीड़ दिख रही है और ये यहाँ पे भीड़ है। ये देखिए इतनी भीड़ है, आज सभी लोग अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, अपने समर्थक सामने देख रहे हैं अपनी अपनी पार्टी के। पब्लिक प्रेस मीडिया ई बिजनेस कॉन्सेप्ट ज्वाइन करें, हमारे 9200013100 व्हाट्सएप ज्वाइन करें, नाम जिला प्रदेश बताएं, समझने के लिए कॉल करें 9300076626, हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन करें, पब्लिक प्रेस पार्टनर YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, पब्लिक प्रेस मीडिया ई बिजनेस कॉन्सेप्ट के साथ पब्लिक प्रेस का मालिक बने, पत्रकारिता करें, मीडिया ई बिजनेस के साथ प्रेस और पत्रकारिता को स्वतंत्र करें, मीडिया लागत निकाले, मीडिया ई बिजनेस के साथ व्यापार करें, YouTube लिंक नहीं।